कश्मीरी फाइल से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर के लिए बॉलीवुड में एक बार फिर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि वो अब महाभारत पर फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वहीं हाल ही में विवेक अग्निहोत्री की डॉक्यू सीरीज द कश्मीरी फाइल्स अनरिपीटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हुई है। इसके बाद अब डायरेक्टर ने कहा कि वो भारतीय महाकाव्य पर बेस्ड एक फिल्म का डायरेक्शन भी करना चाहते हैं और वो इस बारे में काफ़ी सीरियस होकर भी सोच रहे हैं। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने अपनी अब तक की पूरी जिंदगी को अपने भाषण रिसर्च करने एनालिसिस करने में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पौराणिक कथाओं पर फिल्में बनाने की इच्छा होती है जिसे वो इतिहास की तरह बनाना चाहते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने बाकी लोगों पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि दूसरे लोग बॉक्स ऑफिस के लिए कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो दूसरे लोगों ने अर्जुन, भीम और बाकियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बनाया है, जो कि मेरे लिए एक महाभारत धर्म और धर्म के बीच एक लड़ाई है जिसे मैं पूरी निष्पक्षता के साथ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। विवेक अग्निहोत्री ने अगली फिल्म वैक्सीन वॉर ट्रू स्टोरी के बारे में बात करें तो ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज की जाएगी। विवेक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुद इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीर शेयर कर इसकी झलक भी दिखाई है। इसी के साथ उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, फिल्म द वैक्सीन वॉर अ ट्रू स्टोरी 28 सितंबर 2023 के शुभ दिन पर दुनिया में रिलीज होगी, कृपया हमें आशीर्वाद दें, साथ दें और इस फिल्म को पसंद करें। वेल, बॉलीवुड से जुड़ी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बॉलीवुड केसरी।